झारखंड में सिर्फ एक नारा है, हेमंत दोबारा है। क्या है? यहाँ पे अपना बातें रखने का काम कर रहे हैं, उनको हम चेता देना चाहते हैं, क्रांतिकारियों का खून यहाँ हर एक बाशिंदे के अंदर में है, और वो क्रांतिकारी खून अब अपना जवाब मांग रहा है, अपना हिसाब मांग रहा है। झारखंड हमारा है, ये धरती हमारी है, इस धरती के खजाने हमारे हैं, तो बकाया किसको मिलना चाहिए? अपना बचपन, अपना जवानी, अपना पूरी उम्र लगा दी झारखंड को खुशहाल देखने के लिए। और आज अपने परिवार के सदस्य आदरणीय केदार वर्मा जी के घर में आकर के और उनके सदस्य गणों से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ पे माताएं बहनें सब आई हैं, और माताओं बहनों के साथ में भाई दादा हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी जुझारू हमारे कार्यकर्ता के साथ में कहना चाहूंगी कि सिपाही है झारखंड का हर एक, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होता है। और ये जो सिपाही है, ये सिपाही सब मिल करके एक सेना का निर्माण करते हैं, और इस सेना को लेकर के हम अपनी रण में, जो चुनावी गण है, रण को ले आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बहुत ताकत की जरूरत है इसमें, जिस तरीके से आप जानते हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री रहते हुए षड्यंत्र के तहत उन्होंने बीजेपी वालों ने जेल के अंदर में डाला है। उन्होंने सिर्फ हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला है, उन्होंने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डाला था। इस चुनावी रण में हमें उसका करारा जवाब देना है कि अगर आपने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डालने का प्रयास किया है, तो आप तैयार हो जाइए। हमारी आधी आबादी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई दादा और हमारे सारे समाज के हर एक वर्ग के लोग डट करके खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और आज हमारे साथ में एक मजबूत शख्सियत हमारे साथ में है, इनको मजबूत कराने का काम हर एक जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही को मजबूत करना है, ताकि हेमंत सोरेन मजबूत हो, ताकि दिशम गुरु शिबू सोरेन मजबूत हो, और हमारा झारखंड मजबूत हो। देखिए, चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग है। अलग मैं इस तरीके से कहना चाहती हूँ, जो केंद्र की सरकार है वो अपने मजबूत होने के साथ अपने एजेंसियों को भी मजबूत इसलिए कर रही है अपने पक्ष में। चुनाव का समय आ गया, अभी किसका चुनाव होना था? अभी महाराष्ट्र का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव के समय से पहले झारखंड को भी महाराष्ट्र के साथ में चुनाव करने की इतनी इन लोगों को आपाधापी हो गई है कि ये लोग झारखंड का चुनाव समय से पहले भी करा रहे हैं, और जो चुनाव झारखंड में 5 चरण में होता था उसको घटा करके ये 2 चरण में लेकर के आए हैं। अब सोच समझिए, इनके अंदर का शरीयत समझिए कि झारखंड में ये 5 चरण से 2 चरण में ला दिए, और आपको जान करके हैरानी होगी अब ये लोग क्या कर रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव का समय है वो शहरी क्षेत्रों से एक घंटा पहले बंद करा रहे हैं। मतलब गांव के लोगों के लिए चुनाव का समय एक घंटा कम और शहर में चुनाव का एक घंटा जो उनको रहता था वो है। आप ये समझिए कि गांव की जो जनता, जो गरीब गुरबा है, मजदूर है, पिछड़ा है, दलित है, वो सब आज हेमंत सोरेन के साथ में खड़ा है और गांव में उतनी सुविधाएं नहीं है कि वो तुरंत जाकर के अपने वोटिंग बूथ में जाकर के अपने वहां जाकर के मतदान करें। और ये लोग किस तरीके की चाल चल रहे हैं, ये लोग ये चाल चल रहे हैं कि आज झारखंड की आवाम गरीब गुरबा मजदूर पिछड़ा जो हेमंत सोरेन के साथ में है उनको हम कैसे पीछे करें, क्योंकि उनको पता है कि झारखंड में अगर फिजा चल रही है तो हेमंत सोरेन की चल रही है। ये भेदभाव, समय का अंतराल, गरीब अमीर, ग्रामीण अर्बन क्षेत्र, ये भेदभाव करना चाहते हैं और आप इनकी मानसिकता को समझिए, ये हमें किस तरीके से बांधने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आपको समझने की जरूरत है और अपनी आवाज भी उठाने की जरूरत है। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारे साथ में, हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी सब हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक सिपाही हैं और एक कर्मठ सिपाही हैं। आज जब ये ईडी, सीबीआई से आईटी इन लोगों को सब झारखंड में लगा करके रखते हैं, झारखंड का जो विकास पिछले 20 दशक से 20 वर्षों से सबसे ज्यादा शासन कौन किया, भाजपा किया, लेकिन झारखंड निर्माण के समय में सबसे ज्यादा आहुतियां किसने दी, हमारे झारखंड के मूल वासियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सब उन क्रांतिकारी शहीदों ने। अगर आप गली चले जाइए, कोटा चले जाइए, पहाड़ के नीचे चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे, आपको हर जगह शहीद का एक स्थल मिलेगा। कौन थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही थे, गुरु जी का साथ जिन्होंने दिया झारखंड निर्माण के लिए। और आज सत्ता पे जैसे ही आते हैं, हमारे पिछड़ों का आरक्षण कितना था, 27%, घटाया किसने, जैसे ही भाजपा की पहली सरकार आती है उसको घटा करके ये लोग 14% करते हैं। ये मानसिकता किसकी है, ये भाजपा की मानसिकता है। आज ये झारखंड की सरकार नियोजन नीति लेकर के आती है, विधानसभा से पारित कराती है, लेकिन लेकिन उसको आगे बढ़ रोकने का काम कौन करता है, ये भाजपा के लोग करते हैं। सरना धर्म कोड लेकर के आते हैं, उनको पारित कराते हैं, उसको रोकने का काम कौन करता है, भाजपा के लोग कराते हैं। मैं ये पूछना भी चाहती हूँ और साथ में आपको बताना चाहती हूँ, अगर झारखंड में झारखंड के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारे महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। आज आहुतियां बहुत हो गई, बहुत भेदभाव हो गया, हम अपने हक अधिकार लिए के लिए पहले से भी गुरु जी लड़ते आए थे, आज हेमंत सोरेन जी भी लड़ रहे हैं और हम निरंतर अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बस याद रखिएगा, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर अपने कदम को आगे बढ़ाते जाना है जब तक हम अपने लक्ष्य पे ना पहुंच जाए। ये बांधना होगा और ये आपको सोचना होगा, और ये सोचना इसलिए है कि झारखंड हमारा है, ये धरती हमारी है, इस धरती के खजाने हमारे हैं, तो बकाया किसको मिलना चाहिए, आप ही बताइए बकाया किसको मिलना चाहिए, झारखंडियों को। तो अगर हेमंत सोरेन जी एक सवाल उठाते हैं 1,36,000 करोड़, तो पैसा किसका है, आपका है, हमारी बेटियों का है, हमारे युवकों का है, हमारे वृद्धों का है, तो उसका पैसा हम केंद्र सरकार से ले करके रहेंगे। और हमारा मनरेगा का भी ये लोग बकाया रखे हुए हैं 1,000,000 करोड़, वो भी हम ले करके रहेंगे। ये झारखंड है और इस चुनाव में, ये
झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डालने का जो जुर्रत किया है उसको खामियाजा आपको 2024 के चुनाव में मिल जाएगा। जितने बड़े बड़े नेता हैं आप लेकर के आइए, झारखंड का हर एक सिपाही तैयार है, हमारी माताएं बहनें तैयार हैं, क्योंकि अगर चेहरों में खुशियां देने का काम किया है योजनाओं के तहत वो हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज मैया सम्मान योजना की बात होती है, झारखंड में फिजा चल रही है, वो फिजा है मैया की। वो किस लिए मैया की है कि हमारी माँ की ताकत को अगर सशक्त करने का काम करने किया है तो वो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। और ये झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि घर में रहने वाली एक गृहिणी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके पंखों को मजबूत करने का काम किया है, हमारी बेटियों को उनका जो सपना है कि आगे बढ़े सावित्री बाई फुले से जोड़ने का काम किया है, सर्वजन पेंशन हो, योजनाओं की लड़ी लगी हुई है। अगर आप काम के दाम पर आएंगे तो मैं आप बोलेंगे, आप गर्व से बोलिएगा कि आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, क्योंकि वो आपका दादा है, वो आपका बेटा है। और अगर आपका दादा आपका बेटा नहीं सोचेगा तो झारखंड में आपके लिए और कौन सोचेगा, क्योंकि उनके पिताजी ने अपना बचपन, अपना जवानी, अपना पूरी उम्र लगा दी झारखंड को खुशहाल देखने के लिए। और आज ये जिम्मेदारी आप सबों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारे बुजुर्गों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारे बड़े बुजुर्गों की बनती है कि हेमंत जी को मजबूत करना है। और ये मजबूत करके हम अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये झारखंड हमारा है। और बाहरी वाले लोग जितने आकर के यहाँ पे अपना बातें रखने का काम कर रहे हैं उनको हम चेता देना चाहते हैं, क्रांतिकारियों का खून यहाँ हर एक बाशिंदे के अंदर में है, और वो क्रांतिकारी खून अब अपना जवाब मांग रहा है, अपना हिसाब मांग रहा है। और झारखंड में सिर्फ एक नारा हो रहा है, झारखंड में सिर्फ एक नारा है, हेमंत दोबारा है। हमारे भाई दादा को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और हर एक सीट पे जिस तरीके से अर्जुन का नजर मछली की आंख में था, हमारे हर एक सिपाही की नजर एक एक बूथ पे होगी, और इनके बूथ को हम जीतने का काम करेंगे, और अपने झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन को लाने का काम करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। आप सभी का यहाँ पे आए बहुत बहुत धन्यवाद है, इस जोशीले स्वागत के लिए।